क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाककला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाककला में बना है बीन्स के द्वारा तैयार सब्जी, जिसको हम सोयाबीन भी बोलते हैं। उसके बीजों के द्वारा इसको हम तैयार करे हैं। आप सभी को पता होगा कि सोयाबीन प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत होता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए, खासकर बच्चों की ग्रोथ के लिए सोयाबीन बहुत फ़ायदा करता है, बहुत हेल्दी होता है। अगर इसको आप चने के साथ भिगो के सुबह अपने बच्चों को देते हैं, उनके हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। 10 से 15 दिन खिलाइए, बहुत हेल्दी होगा। आप इसको किसी भी रूप में अपने खाने में शामिल करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइए कि इस तरह आपने बनाया तो कैसे बना। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बना लेते हैं। इसके लिए जो सामग्री है वो देख लेते हैं। एक कटोरी हमने बीन्स ली है। इस बीन्स को हमने पहले साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद जिस बर्तन भिगोना है उसके अंदर डाल देते हैं। दो पानी से इसको धुल लेते हैं। धुलने के बाद देखिए इस तरह हो गई। अब हमने जिस कटोरी से बीन्स लिया था उसी कटोरी से दो कटोरी इसके अंदर हमने पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसको एक प्लेट की सहायता से ढक के करीब 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 5 से 6 घंटे हो गए। ये देखिए बीन्स भीग के इस तरह से तैयार हो गई। पास से मैं आपको दिखा देती किस तरह से, और ये साइज में दुगनी हो जाती है। अब इसको हम एक प्रेशर कुकर में लेके इसको पका लेते हैं। एक हमने प्रेशर कुकर ले लिया जिसके अंदर सारी भीगी हुई बीन्स को हम डाल देते हैं। और बीन्स डालने के बाद इसके अंदर हमने इतना पानी डालना है कि पूरी बीन्स पानी के अंदर डूबी रहे। लगभग 1 से 1 कटोरी इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। उसके बाद ये पास से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से डूबा रहेगा। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद ढक्कन लगा के हमने 2 सीटी आने तक इसको पका लेना है। जब तक बीन्स पकती है तब तक दूसरी तैयारी को हम कर लेते हैं। जो हमने मसाले तैयार करने हैं उसके लिए सामग्री इस तरह की है। 1 कटोरी हमने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, 3 से 4 पत्ता तेज पत्ता लिया है, 1/2 टेबल स्पून जीरा तथा 8 से 10 काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और ये सब्जी मसाला। 2 हमने प्याज लिया है तथा 2 टमाटर लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 हरी मिर्च है, लहसुन है 8 से 10 कलियाँ। प्याज को छोड़ के बाकी सामग्री को पीस के हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। हम एक मिक्सी का जार ले लेते हैं। जार के अंदर सबसे पहले हमने टमाटर के छोटे टुकड़े काट के इसके अंदर डाल देते हैं हम। उसके बाद इसके अंदर हमने लहसुन डाल दिया। लहसुन बाद इसके अंदर हमने हरी मिर्च, प्याज को नहीं डालना है, साथ ही साथ इसके अंदर हमने अदरक डाल देते हैं। ढक्कन लगा के इसको हमने पीस के तैयार कर लेना। प्याज को हमने लंबाई में तड़के के लिए काट के तैयार करनी है। इस तरह से हमने पूरी प्याज को, दोनों प्याज काट के हमने तैयार कर लिया। पेस्ट को भी हमने पीस के तैयार कर लिया। ये देखिए इस तरह से पेस्ट पीस के तैयार हो गया। हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई गर्म होगी, इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून हम तेल डाल देते हैं। और ये देखिए तेल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हमने तेज पत्ता, काली मिर्च और जीरा जो लिया है उसको इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद थोड़ा सा चलाने के बाद इसके अंदर हमने प्याज को डाल देना है। प्याज को कलर चेंज होने तक हमने भून के तैयार करना है। देखिए प्याज का कलर इस तरह से चेंज कर हो जाना है। और ये प्याज का कलर चेंज होने के बाद अब इसके अंदर हमने जो हल्दी ली है उसको डाल देते हैं। हल्दी डाल के थोड़ा सा मिलाने के बाद इसके अंदर जो हमने सब्जी मसाला लिया है उसका लिंक पहले ही हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। वो आप किसी भी सब्जी में उपयोग करेंगे, बहुत टेस्टी बनेगी। इसको भी 1 मिनट के लिए दोनों सामग्री को भून के तैयार कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने लो रखना है। इनके तैयार हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने टमाटर वाला पेस्ट तैयार करके रखा है उसको भी इसी के अंदर डाल देते हैं। और चलाते हुए करीब 3 से 4 मिनट तक इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। तैयार हो रहा है। अब हमने जो बीन्स कुकर में रखी थी वो भी पूरी तरह से पक के ठंडी हो गई है। इसको हमने ढक्कन से अलग कर दिखा रहे हैं आपको किस तरह से हमने बीन्स को पकाया है। और ये देखिए बढ़िया परफेक्ट बीन्स पक के तैयार हो गई है। ये मसाला देखिए पूरी तरह से भून के तैयार हो गया। तेल से ये अलग भी होने लगा है। अब इसके अंदर जो हमने बीन्स उबाल के रखी है उसको भी इसी के अंदर डाल देते हैं। उस पानी को हम फेंकते नहीं जिसके अंदर हमने बीन्स उबाला था। पहले इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। उसके बाद लगभग 1 कप इसके अंदर हम पानी को और मिला देते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी सब्ज़ी हमने पतली नहीं बनानी है। इसको डालने के बाद इसको हमने मिला लिया है। अब इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून नमक जो मसाले के हिसाब से है उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। सारी सामग्री को मिला के ढक के करीब 5 मिनट के लिए इसको हम पका लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए सब्जी बनके तैयार हो गई। बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं, जैसा आप पसंद करते उस हिसाब से इसमें पानी मिला लीजिएगा। अब इसको हम धनिया पत्ता डाल देते हैं, थोड़ा सा चला लेते हैं और गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। खाने के लिए सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है।
बीन्स की सब्ज़ी बनके तैयार होगी, बहुत हेल्थी, बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ खाना पसंद करेंगे। आप अपने घर में हमेशा हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए, फ्रेश चीज़ बनाइए, अपने घर परिवार बच्चों तथा अपनों के लिए प्यार से कोई भी चीज़ आप बनाएंगे, यकीन मानिए दोस्तों उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। श्वेता पाकलम, बाय दोस्तों एंड टेक केयर।